राजधानी भोपाल में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते नगरवासियों को अभी से पानी की किल्लत होने लगी है। पानी की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पूर्व पार्षदों के साथ नगर निगम कार्यालय भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम आयुक्त से पानी की समस्या के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर पीसी शर्मा का कहना है कि पिछले साल तक भोपाल में पानी का प्रसार कभी भी कम नहीं हुआ और अभी अप्रैल महीना चल रहा है और अभी से पानी की समस्या है, मई और जून अभी बाकी है। ऐसे में नगर निगम को पानी की समस्या पर ध्यान देना चाहिए और कांग्रेस ने नगर निगम आयुक्त से इस बारे में बात भी की है। सभी पार्षद सभी साथी आज मिले। भोपाल में पानी की इस समय विकराल समस्या है, पानी मिल नहीं रहा है और पहले जो चार इमली हो या शिवाजी नगर तुलसी नगर, इसमें तीसरी मंजिल में पानी चढ़ जाता था, कभी दिक्कत नहीं आई, लेकिन आज पहली मंजिल के अलावा पानी चढ़ नहीं रहा है। वान गंगा इलाका है नया बसेरा, इसमें दो दो तीन दिन तक पानी नहीं आया। नेहरू नगर से लेके पूरे गांव के अंदर पानी नहीं आ रहा है। ये लगातार विकराल समस्या पैदा हुई, इसलिए आज हम कमिश्नर साहब से उनके अधिकारियों से मिले हैं कि भाई ये पानी की समस्या का समाधान तुरंत करें, आपको जो भी चेंजेस करना है, लेकिन पानी जो टाइम डिक्लेयर हो कि इतने बजे मिलेगा उतने बजे ही मिले, और जब नहीं मिले तो टैंकर से भेजा जाए, क्योंकि ये महीना है अप्रैल का, इसके बाद मई और 15 जून जब तक, और अभी नौ तपा आने वाला है, तो इन सब स्थितियों में लोग परेशान हैं और जो दिन भर मजदूरी करते हैं अगर वो पानी के लिए घूमते रहेंगे तो प्यासे मर जाएंगे। इन सब बातों को हमने यहाँ पे उठाया है, सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों की बात भी रखी है और उन्हें आश्वासन दिया है कि एक दो दिन में ये व्यवस्था ठीक होगी, और नहीं हुई तो हम फिर नए सिरे से विरोध दर्ज करेंगे।